इस बार जा रहा हूँ एज चैलेंजर बट फॉर ट्रॉफी नॉट फॉर एज ए गेस्ट और एनीथिंग एल्स। वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा स्ट्रांग है उस घर में, उस घर की दीवारें ज्यादा स्ट्रांग है, इनमें तो कुछ ये कुछ होकर ही नहीं रहे। कविता और निक्की मेरे ख्याल से इतना लंबा रहेंगे नहीं शो में, रूबीना और जैस्मिन जरूर रहेंगे। हम लोग सारे रियलिटी शो के बाप लोग हैं, मास्टर लोग हैं। तो पहले आपसे जानना चाहूंगी, घर के अंदर जाने वाले हैं, वो माहौल, वो बिग बॉस का पूरा एक मैं कह सकती हूँ रीलिव करने वाले हैं, कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है आपके अंदर और क्या कुछ सोचा है इस बार घर के अंदर करने वाले हैं? और आपके हिसाब से जो घर में अभी रह रहे हैं उनका रिएक्शन कैसा होने वाला है जब इतने अच्छे अच्छे जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट है वो घर के अंदर शामिल होंगे? मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटेड हूँ अब फिर से बिग बॉस जाने के लिए। बिग बॉस सीजन 2, बिग बॉस सीजन 8 और बिग बॉस सीजन 14 इस बार जा रहा हूँ एज ए चैलेंजर बट फॉर ट्रॉफी नॉट फॉर एज ए गेस्ट और एनीथिंग एल्स। तो बहुत उत्तेजित, अति उत्तेजित हूँ। मेरा मन करे कि अभी जाऊँ रात को ही और चुपचाप घुस जाऊँ घर के अंदर, इतना उत्तेजित हूँ। और जहाँ तक घर वाले उनको उनको तो मतलब जैसे हम जाएंगे उनको सफाया कर देंगे वहाँ से, उन्हें जितनी बोरियत फैलाई है वो सफाया उनका करना है, सफाया करने के लिए जा रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। अंधेरा बहुत छाया हुआ है तो अंधेरा कम नहीं कर सकते, मगर उजाला बढ़ाएंगे। तो मैं जाके पूरी ब्राइटनेस उजाला बढ़ा दूंगा, मनोरंजन बढ़ा दूंगा, हंसी मजाक मस्ती क्रेजीनेस इवन एंगर थ्रेट्स युद्ध द्वंद हाई लेवल के रहेंगे। फिलहाल जो लोअर लेवल जो चल रहा है मनोरंजन वो खत्म हो जाएगा, गेम पलटेगा, सरकार इनकी बदल जाएगी, हमारी सरकार आएगी और फिर मजा आएगा। अच्छा, आपके हिसाब से जो अभी कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं, काफी कम बचे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि रुबीना और वेर इट बी राहुल, वेर इट बी अभिनव, वेर इट बी जैस्मिन, इन सारों का जो गेम है आपके हिसाब से अब तक कैसा गया और आपको क्या लगता है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग जो है लास्ट तक कौन स्टैंड लेकर खड़ा रह पाएगा और अपने आप को प्रूव कर पाएगा? किसी का कुछ स्टैंड ही नहीं, कोई कुछ स्ट्रांग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा स्ट्रांग है उस घर में, उस घर की दीवारें ज्यादा स्ट्रांग है, इनमें तो कुछ ये कुछ होकर ही नहीं रहे। बिकॉज देखो इनकी गलती भी नहीं है, पैंडेमिक था तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं था कि बिग बॉस देखने में। अब पैंडेमिक खत्म हो रहा है, खत्म तो इतनी हो रहा है बट लोग बाहर आ रहे हैं तो लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। हम सही टाइम पे जा रहे हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट देम, पर हमारा काम, हमारी लॉयल्टी है ऑडियंस पे, जो व्यूअर्स है, जो कलर्स के उन पे, उनका मनोरंजन करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। जब इस बार बिग बॉस का फोन आया मुझे कि राहुल आ जाओ, तुम आ गए, क्योंकि सिर्फ हम बिग बॉस का पुराना सोना है, तो जब मुश्किल वक्त है तो लोग अपना पुराना सोना निकालते हैं, इसलिए हमें बुलाया पांच लोगों को, हम उनके पांच, हम जो पांडव होके जा रहे हैं, हम जीत के आएंगे लड़ाई ये महाभारत की बिग बॉस के। अच्छा, आपको क्या लगता है घर में वो कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है, क्योंकि इस बार के सीजन में सब काफी अच्छे बन रहे हैं तो सभी को लगता है कि वो जितने अच्छे बनेंगे उतना अच्छा दिखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से सभी वीक रह गए हैं या फिर थोड़ा मजा नहीं आ रहा ऑडियंस को उतना जितना ये और कंटेंट दे सकते थे? तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आप घर में जाएंगे तो किनसे आपकी बहस होना पॉसिबल है या फिर ऐसा कुछ आपको जो लगता है कि किससे आपकी जमना थोड़ा जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा? मेरी बहस किसी से नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को किसी से कुछ लेना देना होता नहीं, मैं अपना मनोरंजन खुद करता रहता हूँ, मजाक मस्ती करता हूँ, जरूर मैं थोड़ा सरकास्टिक हूँ, मजाक निकालूंगा लोगों का, तो बहस किसी से हो नहीं सकती है। मेरे ख्याल से इनको प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ समझ नहीं आती है। हम जो द्वंद जा रहे हैं, मैं, विकास, राखी, कश्मीरा, हम लोग सारे रियलिटी शोज के बाप लोग हैं, मास्टर लोग हैं। इन बच्चों को तो पहले दिन ही, बच्चों को तो पहले दिन ही हम लोग क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे, इनको समझेगा नहीं क्या करना है क्या हो गया। तो लास्टली आपसे सिर्फ जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कंटेस्टेंट्स हैं आपके हिसाब से वो कौन सा कंटेस्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दिया, कविता और निक्की ने एक बॉन्ड बनाकर रखा हुआ है, लेकिन क्या लगता है आपको कि इन दोनों का ये जो बॉन्ड है ये कितने दूर तक जा सकता है? वहीं जैसे रुबीना और जैस्मिन का भी एक बॉन्ड दिखा था लेकिन वो अब बॉन्ड पूरी तरह से खत्म हो गया, दोनों थूतू मैं करते हुए हमेशा दिखाई देती है, वहीं सीक्रेट रिवील हुए, तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो कितनी काम करेगी, उनके व्यूअर्स और सपोर्टर्स जो है उनको कितना सपोर्ट कर पाएंगे? ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, इसमें 15-20 क्वेश्चन थे, ये आपके एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन थे। सो बट एनीवे आई विल टेल यू व्हाट इज इट, कविता और निक्की मेरे ख्याल से इतना लंबा रहेंगे नहीं शो में, रुबीना और जैस्मिन जरूर रहेंगे। मेरे को चिंता कविता और इसकी नहीं है, कविता और निक्की हो तो निकल जाएंगे, हम पहुंचे में तो निकल जाएंगे, हमारे पहले निकल जाएंगे या हमारे आने के बाद जाएंगे, शायद आखिर तक हमारे सामने जो रहेंगे वो रुबीना, जैस्मिन, राहुल वैद्य रहेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं उनसे वॉर होगा, उनसे होगा। एजाज है पर वो आएगा और जाएगा भी, पर उसमें उतना दम नहीं है।
रूबीना में उतना दम है, उनमें वो है, वो 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 इविलनेस उनमें है, वो एकदम हिटलरनेस उनमें है, वो है जो हम उस 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 अखड़ है जो हम आके वहां तोड़ देंगे। ओके अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे यही जानना था, एक मैसेज जो सारे ऑडियंस को आप देना चाहेंगे कि आप लोगों के आने से घर में कितना तहलका मचने वाला है और कितनी टफ कंपटीशन देने वाला है, ये आप एक मैसेज अपने व्यूअर्स को दे दें। गाइस, हम चैलेंजेस के आने से पूरा तख्ता पलट होने वाला है, पूरा गेम चेंज हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, चैलेंज की सरकार आएगी, मनोरंजन का पूरा पागल धमाका होने वाला है, पूरा पागलमती मैडनेस क्रेजीनेस ये शो अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, सबसे हाईएस्ट लेवल का मनोरंजन हम लोगों को देंगे। सो आफ्टर कोविड पीपल आर रियली सफर्ड एंड वी वांट टू गिव देम ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द लाफ्टर एंड ऑल द स्माइल विद देयर फैमिली एंड वी विल डू दैट फॉर श्योर। Thank you so much for really giving thank me you. So much time and telling us so interesting things. Okay, thank you so much. Take care of yourself.